तो इस तरीके से हम कोई भी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। और हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आइज ड्रॉ के बारे में। ये एक स्मॉल ट्यूटोरियल है जिसके अंदर मैं एक टाइम लैप्स वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा अपनी वो। सबसे पहले जो हम चीज़ ले रहे हैं इसमें वो है पेंसिल। पेंसिल मैं एक नॉर्मल पेंसिल ले रहा हूँ, और ये पेपर भी कुछ ज़्यादा हाई फाई पेपर नहीं है, एक लोकल स्केचबुक है। और पेंसिल मैंने कोई रैंडम उठा रखी है, लेकिन ये नॉर्मल पेंसिल जिससे हम बचपन से लिखते थे, ये डोम्स कलर की पेंसिल है। और मैं इसको एक्सटेंडर में डाल रहा हूँ ताकि ये इसका साइज़ बड़ा हो जाए। एक्सटेंडर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि पेंसिल का साइज़ हम बड़ा कर सकें। तो चलिए मैं इसको स्केचबुक को सेंटर में रख लेता हूँ। सबसे पहले हम एक यूज़ करेंगे सर्कल, जो कि हम एक आइज़ के साइज़ का सर्कल यूज़ करेंगे। इसके बीच में हम सेंटर में यूज़ करेंगे आई बॉल, और उसी के साइड से हम इस तरीके से लाइनें लगाते हुए एक आई बॉल आई ड्रॉ करेंगे। और आई बॉल हमेशा याद रखना, जब भी कोई नॉर्मल आइज होती है, गुस्से में नहीं होता कोई भी, जब किसी को आँख नहीं दिखाता, तो हमेशा आइज का जो आई बॉल है वो कम्प्लीटली हमें दिखाई नहीं देता। और ज़्यादातर मैं इन चीज़ों में आपको लॉजिकल बातें नहीं बताऊँगा कि आप इन चीज़ों का काफ़ी लॉजिकल काफ़ी डिटेल में नहीं बताऊँगा, एक्चुअली लॉजिकल तो बताऊँगा, सॉरी लॉजिकल बातें तो मैं करूँगा, लेकिन इसमें जो आई डिटेल्स है वो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है। कि जब भी हम फ्रंट से कोई भी आई ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये कोई एक रेफरेंस पिक्चर नहीं है किसी भी आइज़ का, ये एक स्टडी की तरह मान लीजिए, आप एक टेक्निक मान लीजिए इसे, और इस तरीके से आप इनको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही ड्रॉ करना है अपनी स्केचबुक में। और हम सबसे पहले स्किन को टोन देंगे, क्योंकि वो सबसे पीछे होती है। हमारे जो आइज़ में जो हमें हेयर्स दिखाई देते हैं वो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, कि इसके बाद हमारी स्किन फिनिश हो जाती है, और उसके नीचे होती है स्किन, हेयर्स के नीचे होती है स्किन्स। और मैं इसकी पलके भी बनाने वाला हूँ, और इसमें अभी मैं आई बॉल में डिटेल दे रहा हूँ थोड़ी। और हमें पता है कि आई, जब हम कोई भी आई ड्रॉ करते हैं तो उसकी शेप फ्लैट नहीं होती, उसमें एक डेप्थ होती है, उसमें एक टोन होती है, उसमें एक वैल्यू होती है, ऐड होती है उसमें एक वैल्यू। तो वो सब चीज़ें हम बनाएंगे। और मैंने इस तरीके से एक आई बनाई है, देख लीजिए आप, मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ कि इस तरीके से हम इसको इनसाइड होता है और ये अपसाइड होता है। तो जहाँ अपसाइड होता है वहाँ लाइट आती है, और जहाँ इन होता है वहाँ डार्क होता है। ये आपको फंडामेंटल पता होगा इसका। और जिस तरीके से मैं इसमें स्ट्रोक देने वाला हूँ हेयर्स के, वो इस डायरेक्शन में ऐसे होंगे। और मैं स्ट्रोक्स को हमेशा हेयर्स के जो स्ट्रोक्स है, एक तरफ से जो मैं टच करता हूँ, और फिर उसके बाद इसको एक साइन की तरह, जिस तरह से हम एक पेन उठा लेते हैं रास्ते में जाते हुए, आपको ये मेरा मतलब समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं हेयर्स बना रहा हूँ। और इसके बाद मैं नीचे की तरफ जो मैं हेयर्स होते हैं वो कम होते हैं, तो उसके मैंने नीचे का हेयर्स बना लिए। अब मैं इसके साइड्स में और वैल्यू ऐड करूँगा शेड्स की, ताकि ये थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। और इस तरीके से देखिए कि इस तरीके से मैं इनमें हेयर्स बना रहा हूँ। एक तरफ से मैं इनको बालों में छोड़ रहा हूँ, और दूसरी तरफ से मैं इसको पेंसिल को उठा ले रहा हूँ, हवा में कर ले रहा हूँ, ताकि उनका जो फ्लो है वो एक तरफ से ज़्यादा दिखाई दे और वो एक स्ट्रोक में दिखाई दे। जब भी हम हेयर्स बनाते हैं वो हमेशा स्ट्रोक्स में होते हैं, उसको हम कभी भी थोड़ी चीज़ उसको कभी भी हम छोटी इसमें नहीं बनाते। और नीचे मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, एक दोबारा एक सर्कल लेंगे, तो मैंने उस सर्कल को थोड़ा मोटा कर दिया। तो आप देख सकते हैं, जब भी हम साइड में से कुछ चीज़ें देखते हैं, क्योंकि हमारा जो आई बॉल है वो सर्कल में होता है, और जब हम साइड से कुछ चीज़ देखते हैं तो वो ओवल हमें दिखाई देती है। जिस तरीके से ये कोइन है, अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो ओवल होगा, और हम उसको फ्रंट साइड से देखते हैं तो वो एक पूरा सर्कल होता है। तो इसी तरीके से मैंने इसकी आइज़ बनाई है, और इस तरीके से मैं इसको बना लूँगा। और मैंने इस पिछले वाले आइज़ से थोड़ा इसको जूम करके रखा, ज़्यादा बड़ा बनाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और दिखाई दे। इसमें भी मैंने सेम टू एक नॉर्मल आई बनाई है, कोई एक्सप्रेशंस ज़्यादा इसमें दिखाई नहीं दे रहे, ये सिंपली एक आई है जिसको हम इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा रहे हैं। और ऐसे हम सर्कल लेके इसमें आई बॉल को ड्रॉ कर लेंगे, हाईलाइट्स इसमें निकाल लेंगे, आगे इसको इरेज कर देंगे, और फिर से जो मैंने इसमें काफ़ी सर्कल भी बनाया था और वो मैंने इरेज कर दिया, क्योंकि वो सर्कल एक हेल्पिंग के लिए बनाया था मैंने, और सर्कल का कुछ ज़्यादा इतना इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था। हेयर्स को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, और
मैं इसमें सबसे पहले एक टोन लगा लेता हूँ, यहाँ पे लाइट होगी। हाँ, हमेशा स्किन में आपको जगह जगह वैल्यू ऐड दिखाई देती है, ज़्यादातर जो लाइट होती है जहाँ पे मैंने एरो लगा रखा है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इनकी लाइट होती है शेड, और जहाँ पे आईज अंदर की तरफ होती है वो उतनी ही ज़्यादा डार्क होती है। ये एक फैक्ट है, और इसी से हमारे जो टोन है वो पता चलती है, इसी से हमें एक शेड दिखाई देती है। अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका कोई भी उस डार्क एरिया में अगर कोई लाइट ना डाले तो वो डार्क ही रहेगा, ये एक फैक्ट है। और इसी प्रकार मैं इसके हेयर्स बना लूँगा। हेयर्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि स्ट्रोक्स लगाना कोई एक दिन में काम नहीं है, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है। और नीचे की तरफ मैं इनमें एक शेड्स डाल देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखाई दे कि ये एक नीचे इसके स्किन है, और उसमें मैंने डिफरेंट शेड्स लगाई है। शेड्स की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, जिसका ट्यूटोरियल मैं आने वाली वीडियोस में दूंगा। फिलहाल ये एक नॉर्मल था, इसके बाद मैं आपको शेडिंग के बारे में समझाऊंगा। मेरा सिर्फ कहने का ये बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको बता सकूँ, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, आपको भी इंटरेस्ट आए इस चीज़ में कि आई कैसे ड्रॉ करते हैं। अब मैं नीचे एक साइड, बिल्कुल साइड जो दिखाई देती है, उस आई को ड्रॉ करके दिखाऊँगा। और इस तरीके से मैं इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। हालांकि आपको मैंने अपना आपका रूल बताया था, जब भी आई बॉल जो हमारी होती है वो एकदम सर्कल होती है, और जब हम साइड से कुछ चीज़ देखते हैं तो उतनी ज़्यादा ओवल होती दिखाई दे जाती है। तो इस तरीके से हमें साइड की चीज़ें दिखाई देती है, और इसके हेयर्स इस तरीके से बनेंगे। आईब्रो, क्योंकि आईब्रो के बीच में एक लाइन भी होती है जिसको हाँ ड्रॉ करना ज़रूरी है। कई बार मैं जो हमेशा मिस्टेक करता था, जब मैं बिगिनर्स बिल्कुल ही न्यू था इन सब चीज़ों में, तो मैं इस बीच वाली आईज़ को ड्रॉ नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से मेरी जो ड्राइंग थी वो अटपटी सी दिखाई देती थी। तो यही कारण है कि मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ। और आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको काफ़ी चीज़ों का इसमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले मैंने इसमें आपको लगा होगा कि मैंने इसमें ऊपर हेयर्स बना दिए, लेकिन मैंने वहाँ स्किन टोन इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं उसके ऊपर कोई स्किन बना ही नहीं रहा, यानी कि मैं उधर कुछ काम कर नहीं रहा। मेरा मेन फोकस था आईबॉल दिखाना, आईबॉल्स के अंदर से जो हेयर्स निकलते हैं इनको दिखाना, और ये सब बताना कि आप किस तरीके से ये बना सकते हो। और ये एक साइड व्यू है, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंट साइड है, इसकी अप साइड भी अलग एंगल से बनती है, डाउन साइड जब हम ड्रॉ करते हैं कुछ चीज़ को वो भी अलग एंगल से बनाते हैं, उसके भी अलग अलग टेक्निक्स होती है। लेकिन मेन फंडामेंटल्स यही हैं कि इसको हम एक सर्कल के उससे देख के, पर्सपेक्टिव से देख के, आने वाली वीडियोज़ में मैं काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा, और मैं एक अलग से एक ट्यूटोरियल्स की एक सीरीज भी लेके आऊँगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ड्रॉ कर पाएंगे, किस तरीके से हम टोन्स निकाल पाएंगे। पेंसिल्स की भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने इसमें सिंपल चीज़ें ड्रॉ की हैं, सिंपल चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल की हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ महंगे इक्विपमेंट या टूल्स यूज़ नहीं कर रखे, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल पेंसिल से आपको एक आईबॉल ड्रॉ करना सिखा दिया है। हालांकि इसमें पेपर और पेंसिल्स जो भी टूल हम यूज़ करते हैं वो काफ़ी हद के बाद मैटर करते हैं, जबकि हम जब हम कोई प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम कोई प्रोफेशनल काम करते हैं तो उसमें ये सब चीज़ें अनिवार्य होती हैं, मतलब ज़रूरी होती हैं, क्योंकि एक प्रोफेशनल तरीके से दिखना भी चाहिए, कोई थर्ड क्वालिटी ना लगे किस चीज़ में हमने टूल्स में कोई मारामारी ना कर रखी हो। लेकिन इसमें जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है स्किल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैंने एक ज्वाइन मेंबरशिप लॉन्च की है, अगर आप मुझे हेल्प करना चाहते हो फाइनेंशियली तो आप मुझे ये ज्वाइन करके, इस नीचे ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब के साइड में, आप उसको ज्वाइन को उसमें मेंबरशिप बाय करके मुझे हेल्प कर सकते हो। सब बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में, जिसमें मैं आपको टोन शेडिंग्स और नोज़ की शेडिंग्स बताने वाला हूँ कि हम किस प्रकार एक फ्रंट व्यू से एक नोज़ बना सकते हैं, फ्रंट व्यू से साइड, फ्रंट साइड व्यू से हम एक नोज़ बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।